good morning dear friends i am dr vinod pankaj misra and you are welcome in my youtube channel pankaj institute of english so dear friends as usual every day i come with daily uses english sentences these sentences are very helpful in speaking or learning english if you read again and again these sentences and then you will be able to speak fluent english so dear friends let's start these sentences सो फर्स्ट सेंटेंस इज हेट हेट सिन नॉट सिनर हेट सिन नॉट सिनर पाप से घृणा करना पापी से नहीं पाप से घृणा करो पापी से नहीं नेक्स्ट वन इज ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रोफेस ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रोफेस वह जो कहता है वही करता है वह जो कहता है वही करता है नेक्स्ट वन इज इन द ट्विंकल ऑफ एन आई इन पलक झपकते ही पलक झपकते ही। नेक्स्ट वन इज फ्रिस्किंग एफ आर आई एस के आई एन जी फ्रिस्किंग मतलब उछलना नेक्स्ट वन इज वाई आर यू फ्रिस्किंग वाई आर यू फ्रिस्किंग आप उछल क्यों रहे हैं आप उछल क्यों रहे हैं नेक्स्ट वन इज़ डकलाइन ऑफ डे डेक्लाइन ऑफ डे दिन का ढलना दिन का ढलना नेक्स्ट वन इज़ रिपल आर आई डबल पी एल ई रिपल मतलब लहरें उठना या झकोर मारना लहरें उठना या झकोर मारना नेक्स्ट वन इज बेफ्स भर रिपलिंग बेफ्स भर रिपलिंग लहरें उठ रही थीं या आवाज़ कर रही थीं लहरें उठ रही थीं या आवाज़ कर रही थी नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज़ मून लाइट मून लिट नाइट मून लिट नाइट मतलब चांदनी रात चांदनी रात नेक्स्ट वन इज़ ड्रिजल ड्रिजल मतलब हल्की बारिश हल्की बारिश या बूंदा बांदी नेक्स्ट वन इज फ्लिकर फ्लिकर मतलब जलना बुझना जलना बुझना नेक्स्ट वन इज जॉस्टलिंग जोस्टलिंग मतलब हाथापाई करना हाथापाई करना नेक्स्ट वन इज पीपल पीपलबर जॉस्टलिंग पीपल बर जॉस्टलिंग लोग आपस में लड़ रहे थे या हाथाफाई कर रहे थे लोग आपस में लड़ रहे थे नेक्स्ट वन इज़ हमिंग हमिंग मतलब भुन भुनाना हमिंग मतलब भुन भुनाना नेक्स्ट वन इज ग्रोपिंग इन द डार्क ग्रोपिंग इन द डार्क अंधेरे में ढूंढना या टटोलना अंधेरे में ढूंढना या टटोलना नेक्स्ट वन इज़ थैंक्स फॉर हैप विथ अस थैंक्स फॉर हैप with अस हमारे साथ होने का धन्यवाद हमारे साथ होने का धन्यवाद नेक्स्ट वन इज़ थैंक्स फॉर बीइंग विद अस थैंक्स फॉर बीइंग विद अस हमारे साथ में रहने का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में रहने का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वन इज एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल जितना जल्दी से जल्दी हो सके जितना जल्दी से जल्दी हो सके नेक्स्ट वन एज एज अर्ली एज़ यू कैन एज अर्लीज़ यू कैन जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं नेक्स्ट वन एज डिटैचमेंट डी ई टी ए सी एच एम ई एन टी डिटैचमेंट मतलब अलगाओ अलगाओ नेक्स्ट वन इज मैटर ऑफ ग्रेट सेम मैटर ऑफ ग्रेट सेम बहुत बड़े शर्म की बात बहुत बड़े शर्म की बात नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉगली अर्ज स्ट्रोंगली अर्ज बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस करना बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस करना नेक्स्ट वन इज अन इमेजन अन इमेजन एवल जिसकी कल्पना ना की जा सके जिसकी कल्पना ना की जा सके नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ टोटली अनएक्सप्ल इट इज़ टोटली अनएक्सप्लेंबल ये बताने लायक नहीं हैं ये बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है नेक्स्ट वन इज दैट्स नथिंग टू डू विथ दैट्स नथिंग टू डू विथ उससे कोई मतलब नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट वन इज डेलीकेट इस्टेज डेलीकेट स्टेज नाजुक अवस्था नाजुक अवस्था नेक्स्ट वन इज मेक ऑफर फर मतलब प्रस्ताव रखना प्रस्ताव रखना नेक्स्ट वन इज ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह उद्घाटन समारोह नेक्स्ट वन इज प्रि सो नेक्स्ट वन इज प्रिसाइडिंग प्रिसाइडिंग सेरेमनी समापन समारोह सेरेमनी समापन समारोह नेक्स्ट वन इज गेट बैड हैबिट गेट बैड फीलिंग्स गेट बैड फीलिंग्स गंदा विचार होना गंदा विचार होना नेक्स्ट वन इज़ फुलफिल ड्रीम्स फुलफिल्ड फुलफिल ड्रीम्स मतलब सपना साकार करना सपना साकार करना नेक्स्ट वन इज़ हाउ मच हेट हाउ मच हेट कितनी ज़्यादा घृणा कितनी ज़्यादा घृणा नेक्स्ट वन इज़ सिंपल टास्क सिंपल टास्क मतलब सरल काम सिंपल टास्क सरल काम नेक्स्ट वन इज़ टफेस्ट रिंकल टफेस्ट रिंकल कड़ी से कड़ी झुर्री कड़ी से कड़ी झुर्री नेक्स्ट वन इज मैसेंजर ऑफ हेवन मैसेंजर ऑफ दूत स्वर्ग दूत नेक्स्ट वन इज रिफ्यूट रिफ्यूज मतलब इंकार करना रिफ्यूज मतलब इंकार करना नेक्स्ट वन इज सो these are the sentences and words which are very important for learning english so you read or listen again and again thank you for watching this video please like it share it and subscribe if you are new for it and don't forget to press the I bell icon so that you can get the information of new videos thank you thank you thank you